यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, एस एन का फॉर्मूला, तौर पर यार डी नहीं है ना तो क्या हो गया? सर, डी है ना डिफरेंस है ना, वन का डिफरेंस है, सर, वन का डिफरेंस है ना। वन का डिफरेंस, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या आएगा, डी आएगा। एस एन आपको दिया है कितना है कि वो 36 है, यहां पे कितना आएगा, एन अपॉन टू आएगा, टू इंटू वन बिकम्स क्या, टू एन माइनस वन आएगा यहां पे, एन माइनस वन इज वॉट, एन माइनस वन आएगा, डिफरेंस कितना है, सिर्फ वन का डिफरेंस। सर, अब ये क्या होएगा, टू क्या कर रहा है यहां पे, डिवाइड दूसरे साइड जाएगा तो क्या होएगा, मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 72, ये इक्वल टू होएगा एन इंटू टू इज, ये एक सेकेंड, ये होएगा, अब 72 इक्वल टू एन इंटू टू इज टू एन, एन इंटू एन इज एन स्क्वेर, प्लस इंटू माइनस ये कितना आएगा, माइनस एन, तो 72 इक्वल टू टू एन माइनस एन बनता है एन, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और इसका फैक्टर क्या आएगा, ये होएगा 9 और 8 फैक्टर आएगा। चलो चेक करते हैं कैसे निकालते, यहां पे 2, 36, कैमरा चालू करना, 18, 9, 3, वन आएगा। क्या करने को बोला था आपको, एग्जैक्ट बीच में से डिवाइड करो, तो ऊपर वाला 8, तो आ गया फैक्टर। ग्रेटर नंबर को पहले लिखोगे, स्मॉलर नंबर को बाद में लिखोगे, फिर दोनों में n कॉमन है, यहां पे 8 कॉमन है, फाइनल आंसर कितना आएगा, एन माइनस एट, एन आएगा प्लस नाइन, एन इक्वल टू 8 आएगा, एन इक्वल टू माइनस नाइन, कौन सा आंसर राइट है इसमें, एन इक्वल टू एट एट वाला क्योंकि नेक्स्ट एन कभी इंटीजर नहीं आ साइन नहीं सकता, है। ठीक है, एन कभी इंटीजर नहीं आ सकता है, एन हमेशा नेचुरल नंबर रहना चाहिए। यहाँ पे n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू आएगा, ये चलो अभी फिफ्थ सम जरा ट्राई करो। फिफ्थ सम ट्राई करना, सर अमरीश, खुशी कैमरा चालू करना, हर्षवर्धन कैमरा चालू करो, नितिन कैमरा चालू करना, और जिसका कैमरा बंद रहेगा मीटिंग के बाहर हो गया, मैं बताएगा नहीं सीधा निकाल दूंगा। नहीं।
सर बोलो, इन दोनों में n सेम है, मतलब इनका a और d निकाल के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया तो चलेगा? चलेगा। देखो क्या होता है, सबसे पहले चीज 2 APs आर गिवन, ठीक है, ये हम लोग क्या हो गया AP1 है और दूसरा एक है AP2, तो 2 AP दिए आपको। पहला वाला जो AP है इसमें मधुरा बताओ A क्या रहेगा यहाँ पे, A और D क्या रहेगा? 9। A is 9 and difference कितना आ रहा है? 2। पक्का 2 है, चेक करो। It's 7। 7, क्या बात है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? -2 का डिफरेंस आ रहा है। सेकंड वाला जो एपी है इसमें फर्स्ट टर्म इज 24। अदर हो जरा आपका माइक बंद करना। डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 3 का। क्लियर है? क्या आएगा डिफरेंस? -3 का आएगा। अब क्या बोला है, nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशंस आर इक्वल, ठीक है, तो इन दोनों का जो tn आएगा, मतलब tn1 जो पहला ap का है और tn2 दूसरा ap का, ये दोनों क्या है? सेम। फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस ब्रैकेट में आएगा n माइनस 1, यहां पे आएगा a प्लस n माइनस 1, इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a का वैल्यू यहां पे 9, n माइनस 1 डिफरेंस कितना आएगा? -2, ये हो जाएगा कितना? 24 होएगा। प्लस आएगा n माइनस 1, डिफरेंस क्या आएगा? -3 आएगा। अभी आप क्या करो, ब्रैकेट्स को एक्सपांड कर दो, तो 9 माइनस 2n होएगा, प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 24 -3 × n -3n -3 × -1, तो ये +3 होएगा। क्या करो, नंबर्स को सबको एक साइड लो, तो यहां पे 9 आएगा, +2 आएगा, +24 यहां गया तो -24, +3 यहां गया तो -3, -3n, -2n यहां गया तो +2n बन जाएगा। चलो अब ये सबको सॉल्व करो, 9 + 2 = 11 प्लस, ले अभी ये दोनों को सॉल्व करोगे तो -27 आएगा, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा -n। ग्रेटर नंबर का साइन यहां पे माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट, n का वैल्यू कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। अभी आपको क्या करना है, द nth टर्म फाइंड आउट करना है, दैट इज पहले वाले AP के लिए 16 टर्म फाइंड आउट करो, दूसरे वाले टर्म के लिए 16 फाइंड आउट करो। सर 16 टर्म 21 आया पहले वाले के लिए ना? हाँ, एपी थी, मेरे को लग रहा है 16, मेरे को लग रहा है 26 आएगा करके, गलत है सर, 21 गलत है, 21 गलत है, गलत है, 21 गलत, -21 आया, वही हाँ वही -21 सिर्फ।
यहाँ पे कितना रहेगा a प्लस 15d, तो ये बन जाएगा 24 और ये कितना होएगा माइनस 45, क्योंकि 15 इंटू माइनस 3 माइनस 45 होएगा, ये बन जाएगा माइनस 21. डिवाइड करोगे क्या क्या उसको डिवाइड करो ना वो लाइन बनाया ठीक है. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक सेकंड रुको, और कुछ सामने है क्या देखने को? क्या तो हो गया सबका, कोई डाउट है इसमें? डाउट है किसी को? नहीं सर. नेक्स्ट सम पे जाते हैं फिर. सर आगे के सम नहीं करना है? देखो ना, देखते ना आगे का. हाँ ये करो ना नाइन सब्जेक्ट, थोड़ा इन सब का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ही हाई है, मतलब आपके लेवल के लिए तो बहुत ही ज्यादा हाई है. इसके लिए देखो करने को जमा तो करो, नहीं तो फिर कोई टेंशन नहीं. डिवाइड और कौन सा नाइन सम करना है? नाइन सम थोड़ा समझने को मुश्किल, तो मैं समझा देता हूं. देखो इधर ध्यान दो, 207 है, इसको क्या किया गया है, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फर्स्ट पार्ट, एक सेकेंड पार्ट और एक थर्ड पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट जो सा तीनों पार्ट क्या है, एपी में है. इसका मतलब अगर ये ए रहेगा तो ये रहेगा ए प्लस डी और ये रहेगा ए प्लस टू डी. ठीक है, ये बोला गया है. अब इसमें क्या बोला है, सच दैट ऑल पार्ट्स आर इन एपी. ठीक है, कोई बात नहीं. तो अगर मैंने ये तीनों पार्ट को अगर ऐड किया तो कितना आएगा आंसर? थ्री है, थ्री ए प्लस थ्री डी, 3a plus 3d. और ये इक्वल टू क्या रहेगा? 207 आएगा. ये देखो ना, तीन पार्ट में डिवाइड किया तो तीनों पार्ट को ऐड किया तो वापस यही आएगा ना. क्या कॉमन है इसमें? इसमें कॉमन है थ्री, कॉमन है अंदर आएगा a plus d. तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब रहेगा a प्लस डी इज 207 अपॉन 3, तो ये बन जाएगा 69. a प्लस डी कितना आया? 69 आया. फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट है? आगे बढ़ू यहां तक? किसी को भी प्रॉब्लम है तो बोलो, किसी को प्रॉब्लम है तो समझा देता हूं. ओके, अब ध्यान दो, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स इज 4623. तो टू स्मॉलर पार्ट्स का मतलब क्या है, ए और ए प्लस डी का क्या करना है हमें, ए और ए प्लस डी क्या करना है, प्रोडक्ट बोला है तो मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई करके कितना होएगा, 4623 होएगा. अभी आपने ऑलरेडी ए प्लस डी का वैल्यू ढूंढ निकाला था, अब भी जस्ट ढूंढा था, कितना ए प्लस डी क्या सब्स्टिट्यूट करोगे इसके बदले? 69. तो यह आएगा 69, इधर आएगा 4623.
तो a का वैल्यू क्या रहेगा, 4623, इसको किससे डिवाइड करोगे, 69 से। अब देखो आपको कुछ नोटिस हो रहा है, 23, 46, 69 सब किसके टेबल में है, 23 के टेबल में सब। तो 23 3000 आएगा, ये कितना आएगा, 23 2s are 46, 0s are 2, 1s are 203 आएगा। तो ये कितना होएगा, अगर डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड कर सकते हो, सबसे पहले कितना होएगा 23 × 3 होएगा, ऊपर कितना होएगा 4623। तो 23 2s are 46, 0s are 2, 1s are 23, आप डिवाइड करके चेक करो। फिर आप क्या करोगे, 3 को 201 से डिवाइड करो, ए का वैल्यू क्या है बता देना, 67 पहले आया फिर उसको माइनस। तो यहाँ पे कितना होएगा, अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 36 are 18, 37 are 21, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। सर 67 ना, 67 ओ सॉरी 67। तो अभी आप क्या कर सकते हो, ये जो इक्वेशन है a प्लस डी, इसे आप क्या निकाल सकते हो, d निकाल सकते हो, तभी 69 माइनस करना है ना, बराबर। तो a प्लस डी दैट इज 67 प्लस d इक्वल टू 2 आएगा ना, इक्वल टू 69, d का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मैं 2 ही बोला, देखिए क्या था क्वेश्चन, क्या था एग्जैक्टली, क्या पूछा गया था क्वेश्चन सर, बस 3 पार्ट्स बनाने थे, क्या पार्ट बनाना है, a प्लस डी, हाँ बना लो पार्ट्स बना लो। सर एक आएगा 67, एक आएगा 69 और एक आएगा 71। चलो क्या 10th सम ट्राई करो, क्या बोला गया, देर आर 37 टर्म्स इन एन एपी, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना आएगा, थर्टी सेवन। द सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली इन द मिडल, ओके अभी ये जरा समझना पड़ेगा, सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल। तो अभी देखो सबसे पहली चीज ये आपको समझने आना चाहिए, तो देखो कल मैंने आपको एक टॉपिक सिखाया था, जब 3 टर्म्स रहता है, 3 टर्म्स जब रहता है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 3 टर्म्स को a a plus b a plus 2d, नहीं a plus, यहाँ पे आएगा a plus d, यहाँ पे आएगा a minus d, याद है आपको सिखाया था मैंने, 3 टर्म्स, ठीक है। अब जरा ये सोचो, जरा सोचो, है क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, 37 टर्म्स, तो ये 37 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। अब जरा समझाता हूं, अगर आपको याद हो 4 टर्म्स जो रहता है, 4 टर्म्स को आप कैसे लिख रहे थे, बीच का टर्म आता था a माइनस डी, ए माइनस प्लस डी, यहाँ पे a माइनस 3d होता था और यहाँ पे a प्लस 3d होता था,
तो आप बताओ 37 टर्म्स, इसका मिडिल तीन नंबर क्या रहेगा? इसका मिडिल तीन नंबर रहेगा ए, यहां पे रहेगा ए प्लस डी, ए प्लस डी और ए माइनस डी। ठीक है, देखो पांच टर्म क्या रहेगा, मैं पहले समझाता हूं। पांच टर्म कैसे आएगा? ए माइनस टू डी आएगा, ए प्लस टू डी आएगा, तो उसका भी मिडिल तीन टर्म यही आने वाला है। सात टर्म का भी मिडिल टर्म यही आएगा, नौ टर्म का भी यही आएगा, इलेवन का भी ये, थर्टीन का भी सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो 37 का भी क्या आएगा? मिडिल थ्री टर्म्स यही आने वाला है। कोई डाउट है इसमें तो पूछना। अब इसका क्या करना है? सम करना है। कितना आएगा ए का वैल्यू? 3a इज इक्वल टू 37। क्या होएगा? ये d और ये d कैंसिल, 3a इक्वल टू 225। ए का वैल्यू कितना आ रहा है? ए का वैल्यू आ रहा है 75 आ रहा है। 37 टर्म्स का 3 मिडिल टर्म्स ये आएगा और उसका सम कितना है? 225 है बोला है। अब क्या बोला है? सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स। तो लास्ट थ्री टर्म्स मतलब सबसे पहले, सबसे लास्ट टर्म क्या आएगा? टी 37। इसके पहले का टर्म क्या आएगा? टी 36 और टी 35। तो ये कितना है? 429 है। T37 का फॉर्मूला अप्लाई करो, T36 का फॉर्मूला अप्लाई करो, T35 का फॉर्मूला अप्लाई करो। यह आएगा A प्लस 36D, यह आएगा A प्लस 35D, A प्लस 34D इक्वल टू 429। प्रैक्टिस है और कुछ नहीं, समझना पड़ेगा सब चीजें, आपको डायरेक्टली नहीं आएगा तो ये प्रैक्टिस के थ्रू आ जाता है। तो a प्लस ए बन जाएगा 3a, 36 प्लस 35 इज 71, 71 प्लस 34 इज 105d। आपने ऑलरेडी क्या किया? a का वैल्यू ढूंढा, तो इधर 3 a का बदले कितना आएगा? a के बदले आएगा 75 आएगा, प्लस 105d इक्वल टू 429। 3 इंटू 75 इज 225, 225 को दूसरी साइड लेके जाओ, कितना आएगा फाइनल आंसर बता देना। एक सेकंड, एडिशन जरा चेक करना, एडिशन बराबर है क्या? कितना 105 है ना, 105d है ना? ठीक है, कितना है डी का वैल्यू? 105d इज इक्वल टू 204 आ रहा है। 204 डिवाइडेड बाय 105 आ रहेगा ना, ये आया ना? अभी क्या करो, इसको 3 से डिवाइड करो, तो 3 से डिवाइड किया तो ये कितना आएगा? 35
इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 68. का 4024 के जगह मेरे को 2429 आया. क्या क्या क्वेश्चन में इधर कुछ तो गलत रहेगा, नहीं तो आंसर यही है. ठीक है, अभी ये हम लोग ने जो टेक्स्ट बुक में लिखा है उसके हिसाब से किया तो ये आंसर करेक्ट है. तो कोई जिनका हो गया यू कैन ट्राई द 11th सम. ट्राई करो. ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत है. 429 आना चाहिए, कुछ तो एक मल्टीपल आना चाहिए, तो ये 431 आना चाहिए मेरे हिसाब से. ये 431 आना चाहिए, तो जरा करेक्शन कर लेना, 431 आएगा शायद, कि तब जाके आंसर बराबर आएगा, नहीं तो गलत आएगा. 429 ही आ रहा है. 429 है क्या? फिर छोड़ दो, ये आंसर है. नेक्स्ट वाला ट्राई करना. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. जो डेटा दिया है उसको यूज करो, आ जाएगा आंसर. फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दिया है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दिया है हमें ए. सेकेंड टर्म ऑफ एपी दिया है हमें बी. एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी दिया है हमें सी. देन शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज सो एंड सो. ये हम लोग को प्रूव करना. क्या कर सकते हो यहां पे? सबसे पहले एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, यहां पे आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या आएगा? b आएगा. अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहां पे? देखो आपको ऑलरेडी a का वैल्यू पता है, D आप निकाल सकते हो. D कैसे निकाल सकते हो? T2 माइनस T1 करके आपको D मिल जाएगा. तो D क्या रहेगा? D रहेगा B माइनस A रहेगा. किसी को इधर तक पहले चीज डाउट है? इधर तक किसी को डाउट? अभी आप क्या करो, ये फॉर्मूला यूज करो और n का वैल्यू ढूंढने का ट्राई करो, क्या रहेगा? सर बोलो. सर एक बार वापस बताओ ना. देखो डिफरेंस भी आ गया. डिफरेंस आपको पूछा था ना, तो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे ना, तो सेकेंड टर्म कौन है? बी. बी को क्या करोगे? ए से सब्ट्रैक्ट करोगे ना. हेलो, समझा? हाँ सर. अब tn का फॉर्मूला अप्लाई करो. tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. tn ऑलरेडी आपको पता है कितना है? c. a आपको ऑलरेडी पता है फर्स्ट टर्म क्या है? a. n पता नहीं है, तो इधर d कितना है? d अब भी ढूंढा, विच इज b माइनस a. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करोगे? नेक्स्ट पार्ट में प्लस a यहां गया तो माइनस a, यहां पे रहेगा n माइनस 1. b माइनस a क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है?
मल्टीप्लाई दूसरे साइड जाएगा तो क्या होएगा वो डिवाइड तो इधर आएगा तो वो बन जाएगा b माइनस ए बन जाएगा. अब हमें बस n चाहिए ना तो माइनस वन को आप कहां लेके जाओगे राइट हैंड साइड तो ये आएगा c माइनस ए बी माइनस ए माइनस वन यहां गया तो ये बन जाएगा प्लस वन. इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो तो डिनोमिनेटर सेम कैसे किया जा सकता है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करो. देखो जैसे कि 2/3 + 1 रहता है तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई तो यहां पे भी वही करोगे b माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो क्या होएगा c माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन क्या होएगा b माइनस ए तो फाइनल क्या आएगा c प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस सर मेरा बी प्लस बी माइनस टू है अपॉन हाँ चलेगा वो भी चलेगा सर नेक्स्ट में वो रुको इधर तक पहले सॉल्व करो पहले इधर तक सॉल्व करो इधर तक किसी को डाउट है क्या पहले पूछो कोई स्टेप में फिर मैं आगे जा रहा हूं. सर एक सेकंड में लिखना है. हाँ नहीं नहीं मैं से बोल मैं रब नहीं कर रहा हूँ तो सर जगह छोड़ रहा था. किसी को यहां तक डाउट है तो पूछना. हेलो मधुरा लिखना आपको तो लिखो लिखा अब इसका लास्ट पार्ट जरा सॉल्व करते मैं तो जरा इसको ऊपर लिख रहा हूं. ओके तो सबसे पहले चीज पहले एस एन का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में आएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा तो एस एन आपको ढूंढने बोला है एन हमने अब भी ढूंढा एन के बदले आप ये पूरा लिखोगे तो एन क्या आएगा सबसे पहले बी प्लस सी माइनस टू ए आएगा डिवाइडेड बाई टू टू क्योंकि ऑलरेडी नीचे था और नीचे क्या आएगा ओके ए के बदले आप ऑफकोर्स ए लिखोगे इसके बदले आप कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे एन माइनस वन के बदले आप क्या लिख सकते हो एन माइनस वन के बदले आप सीधा ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ए माइनस सी ठीक है ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ये वाला तो इधर क्या आएगा सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए डी के बदले आप क्या लिखोगे डी के बदले डिफरेंस कितना था बी माइनस ए फिर क्या होएगा ये पार्ट और ये पार्ट क्या होएगा कैंसिल आउट होएगा फाइनली हमारे पास क्या बचेगा फाइनली हमारे पास बचेगा बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू इंटू बी माइनस ए ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2a प्लस सी माइनस ए ओके अब फाइनल क्या आएगा b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू इंटू बी माइनस ए यहां पे आएगा 2a माइनस ए होएगा a
तो यही प्रूव करना था। ये पूरा सॉल्विंग के ऊपर है, कैसे आप सॉल्व कर रहे हो उसके ऊपर है। कोई स्टेप में डाउट है तो पूछो। कि जिनका हो गया नेक्स्ट सम पे जाओ। प्रणव कैमरा चालू करना, क्या तो हो गया सबका। नेक्स्ट सम पे जाना। हाँ सर हो गया। ये वाला राइट। सर बोलो। ऐसे यूज करना है ना। हाँ दो बार ऐसे यूज करना है यार। सम ऑफ पी टर्म्स बोला है इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स। सर बाद में ब्रैकेट में पी इज नॉट इक्वल टू क्यू दिया और पहले दिया फर्स्ट पी टर्म इज इक्वल। ट्राई तो करो। पी इक्वल टू क्यू नहीं दिया है लेकिन पी टर्म्स इज इक्वल टू क्यू टर्म्स। तो कैसे लिखते हैं इसको। सबसे पहले सम ऑफ पी टर्म्स दिया है ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, एक सेकंड रुको। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स। अब यहां पे क्या आएगा, सबसे पहले n बाय टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आएगा d आएगा। यहां पे n अपॉन 2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d आएगा। ओके अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे n क्या है, n यहां पे p और q है तो n के जगह पे आप क्या लिखोगे, p बाय टू ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n के जगह पे आएगा p माइनस 1 इंटू डी। यहां पे आएगा q बाय टू ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस q माइनस 1 इंटू क्या आएगा d आएगा।